The first one, physical change. Second one, chemical change. Third one, reversible change. The fourth one is irreversible. Hello everyone, welcome to Loading Vibes. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं changes around us. So ये changes का मतलब क्या है वो पहले हम लोग देखेगा, इसके बाद इसके explanation देखने वाले हैं. चलो शुरू कर लेंगे. So, ये चेंजेस क्या है? चेंजेस अलग अलग प्रकार में हम देखते हैं, राइट और रॉन्ग. एक बेलून मैं आपके हाथ में दे रहा हूं, उसका साइज कितना है? इतना छोटा है बेलून. हवा भरने के बाद उतना बड़ा हो जाता है. सो एक तरह का चेंजेस है ये वाला. नहाने के बाद आप लोग क्या करेगा, अपना रूमाल जो ढीला हुआ आप लेके कहां पे रखेगा? धूप में रखेगा. शाम तक हो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ चेंज. मम्मी आलू लेके आता है ना, सब्जी लेके आता है, वो कच्चा वाला आलू में टच करके देखो, वो बॉईल करने के बाद, अपना पानी पूरी के बारे में बात कर रहे हैं, बॉईल करने के बाद पानी में उबालने के बाद उनका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बदल जाता है. दूध कैसा है? वो दूध से बना हुआ कर्ड का प्रॉपर्टी क्या है? दोनों आसमान और जमीन का इतना फर्क है. मतलब चेंजेस अलग अलग प्रकार में हमारे लाइफ में होते रहते हैं. हम देख लेंगे ये चेंजेस कितना प्रकार का होता है. चेंजेस मेनली फोर टाइप्स का होता है. चेंजेस आर मेनली फोर टाइप्स. व्हाट आर दे? 1, 2, 3 and 4. द फर्स्ट वन फिजिकल चेंज, सेकेंड वन केमिकल चेंज, थर्ड वन रिवर्सिबल चेंज, द फोर्थ वन इज इरिवर्सिबल चेंज. सो थोड़ा और डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं. द फर्स्ट चेंज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज फिजिकल चेंज. चलो एक एग्जांपल लेके हम लोग ये समझ सकते हैं. रेडी? वाटर. यू आर कीपिंग सम वन ग्लास ऑफ वाटर इन योर फ्रिज. ओके, पहले आप रखने के पहले क्या है? सिंपल पानी है, आप हाथ से टच कर सकता है. आपने किसी की जगह पे गिरा है तो इधर से तक फ्लो करेगा ही, है ना? पानी का प्रॉपर्टी आप पता लगता है ना, यू कैन सी. बट वंस इट इज कन्वर्टेड टू आइस, फ्रीजर में रख के आधा घंटा दो घंटे के बाद आप निकालने का टाइम एक पत्थर का जैसा है बिहेव करेगा. पानी कैसा था? ढीला था. ये हमारे बॉडी में ऐसा किसी का मुंह में डाला तो किसी को भी लगता नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. बट ये आइस क्यूब बनने के बाद वो एक पत्थर का समान है, किसी के ऊपर गिरा तो वो क्या होगा? लग जाएगा. बट अब देखिए, ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सो फिजिकल चेंज ऐसा होता है जब चेंज होने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनाया नहीं है तो हम बोल सकता है एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. लाइक वाटर चेंज इन टू आइस. सो वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस and ice is an example of solid substance. But आप closely study किया तो right, water के अंदर hydrogen और oxygen molecule ही है, कुछ नया material नहीं है. एक बार वो ice के तरह convert होने के बाद भी आप check कर दो, उसके अंदर hydrogen और oxygen ही होगा, सिर्फ उनका shape बदल गया, उनका property बदल गया, उधर कुछ नया substance change के बाद बनाया नहीं है. तो हम बोल सकते हैं इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. वन मोर एग्जाम्पल. आई हैव ए शीट ऑफ पेपर, इतना बड़ा वाला एक पेपर मेरे पास है. मैं उसको क्या कर रहा हूं? फोल्ड कर रहा हूं, राइट? एक बार मैंने फोल्ड किया, सेकेंड टाइम, ओके, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, मैक्सिमम उसको क्या कर दो? छोटा कर दो. अभी आप देखिएगा उनका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया. दैट मीन्स ए चेंज हैपेंड when I folded the paper. Okay, but अभी भी ये पेपर क्या है? पेपर ही है. कुछ नया चेंजेस हुआ क्या? कुछ नया मेटीरियल बनाया क्या? बिल्कुल नहीं. सो फोल्डिंग द पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. इवन इफ यू आर टियरिंग द पेपर, इफ यू कट द पेपर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. बिफोर कटिंग द पेपर, आफ्टर कटिंग द पेपर, both are in same material. There is no new substance were formed. So this is an example of physical change.
So we'll move to the next change. So in the time of chemical change, what is happening over here? Have a look. I have a sheet of paper and I'm going to burn that. Okay. उसको मैं थोड़ा fire up कर रहा हूँ, burn कर रहा हूँ. So क्या हो जाएगा? Ash, the paper will converted into ash. राख बन जाएगा ना. कभी आपने भी देखा होगा पेपर को जला के देखो, एकदम पाउडर जैसा फॉर्म में ब्लैक कलर सब्सटेंस बन जाता है. सो आई विल से इट्स एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. क्यों मैं ऐसा बोलता है, देखिएगा पेपर का प्रॉपर्टी देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ सॉलिड सब्सटेंस. उसके ऊपर आप कुछ भी चीज लिख सकते हैं, पेन और पेंसिल यूज करके आप लिख पाएगा. सो थोड़ा सा खड़क मटीरियल है, राइट. बट ये आश का प्रॉपर्टी देखो, वो हवा में या हाथ में ऐसे रखे, what will happen, it will blow away, right? So we will say the change that bring a new substance after the change, hai na, koi bhi ek change hone ke baad kuch naya substance ban gaya to usko hum kya bol sakta hai, chemical change. Okay, so reversible change means what? Once you made a change, so if you can take it back to the original state, we can say that is an example of reversible change. Example, if you are folding a paper, right? So before that you have a long paper, a big paper, right? So if you fold it out, what will happen, the size is reduced over here. But when we unfold it, jab hum log isko purana sthiti mein leke aate hain, to purana state mein hi humko mil jata hai. Kabhi kabhi aap log kapda fold karke rakh lenge na, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. सो एक फिजिकल चेंज है वो, क्योंकि कुछ नया मटेरियल बना है नहीं है. साथ में हम उसको पुराना स्थिति में लेके भी आ सकता है. सो सिंपली वी कैन से दैट चेंज आर कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज. दैट मीन द चेंज दैट कैन ब्रिंग बैक टू द ओल्ड स्टेट. द सेकेंड पॉइंट, सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर, बट ऑल द फिजिकल चेंज वी कैन नॉट से. Because once you taken one apple, if you cut it down into two pieces, उसको कुछ भी glue लगा के भी पुराना स्थिति में कैसा था पहले, जैसा same situation में अब लेके नहीं आ पाएगा. That is why I have mentioned here some of the physical change are reversible. One more example, ice change into water. So again उसको हम ice बना सकता है, yes or no? So the water you can keep on the freezer, we can produce again the ice back. So we can mention that point once again, some physical changes are reversible in nature. Hope you understood that. So what do you mean by irreversible change? We have already seen that in reversible change we can take that material back to the old state. But irreversible change mein kya hoga? एग्जाम्पल, आपने पेपर को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. लाइक इफ यू फायरिंग द पेपर यू विल गेट ऐश. वो ऐश को पुराना पेपर में लेके नहीं आ सकता है. एक और एग्जाम्पल, पोटैटो है ना, कच्चा वाला पोटैटो. वो पोटैटो आपने पानी में उबालने के बाद वो दोनों के साथ कंपैरिजन करके देखिए. सो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस है ना. बॉइल्ड पोटैटो, उसमें से पुराना वाला कच्चा वाला पोटैटो हम बना नहीं सकता है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. सिंपली वी कैन से द चेंजेस दैट कैन नॉट ब्रिंग बैक टू द ओल्ड स्टेट, वी कैन से दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. वन मोर पॉइंट, ऑल द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. रस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइल्ड potato, boiled vegetables, like burning of paper, burning log of wood, these all things are an example of irreversible change. Hope you understood the today's topic. So ye content aapko acha laga to like karna, share karna, subscribe karna, aapka friends ko bhi motivate karna like karne ke liye. So agle video mein milte hain, till then bye bye.